नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह अमावस्या पड़ती है, लेकिन सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। जितनी भी अमावस्या हैं, उनमें से सोमवती अमावस्या को सबसे खास माना जाता है। साल 2024 में यानी इस बार 2 सितंबर के दिन सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या खास तौर पर पितरों को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से लाभ होता है। इसके अलावा इस दिन गंगा में स्नान करना और दान पुण्य करना भी काफी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से पितृ दोष से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही तो आइए जानते हैं। पहले उपाय के तौर पर सोमवती अमावस्या के दिन गंगा जल से स्नान करें। स्नान के दौरान पितरों को तिलांजलि दें। हथेली में जल और काला तिल लेकर पितरों का तर्पण करें। आपको 3 बार जलांजलि देनी है। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की 3 पीढ़ी के पितरों का तर्पण किया जाता है। दूसरे उपाय के तौर पर पितरों के मोक्ष के लिए सोमवती अमावस्या के दिन बेहद अच्छे संयोग बनते हैं। इस दिन स्नान ध्यान के बाद पितरों का तर्पण करें, उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ करें। तीसरे उपाय के तौर पर सोमवती अमावस्या के दिन सुबह स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके काले तिल और जल से अर्घ दें। इस दौरान अपने पितरों को ध्यान कर गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करें। ऐसा करने से आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। चौथे उपाय के तौर पर कुंडली में कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भाद्रपद माह की अमावस्या के दिन राहु और केतु के बीच मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि राहु केतु के बीच मंत्र का जाप करने से कालसर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। राहु केतु का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः और ओम क्र केतवे नमः। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या पर गौशाला या छत पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर पितृ कवच और पितृ स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ये उपाय आपको शाम के समय करना है। इस उपाय से भी पितृ दोष समाप्त होता है। बता दें, हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ और जटायु का तर्पण किया था। भरत ने भी अपने पिता दशरथ का तर्पण और पिंडदान किया था। तो दोस्तों, इस अमावस्या पर इन उपायों को करना ना भूलें। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।